हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स समझ रहे हैं, तो हम जो आज की क्लास में समझने जा रहे हैं या आज की क्लास में जो हम समझेंगे वो एक जनरल टर्म टॉपिक है, जो टॉपिक के बारे में समझेंगे। आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम सीखेंगे नहीं, एक टॉपिक के बारे में समझेंगे, टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि अगली जो एक्सरसाइज समझेंगे वो इजीली समझ में आ जाए। वो इस टॉपिक पे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीच। सही, हमने क्या क्या पढ़ा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी, अब थर्ड वन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आइए हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं, है क्या, कैसे सॉल्व करेंगे। सही है, तो रेडी हो जाए समझने के लिए, कॉपी एंड पेन अपने साथ रखें, पॉइंट्स नोट करते जाए। जरूरी नहीं मैं हर चीज बोर्ड पर लिखता जाऊँ, तो कॉपी पेन रखें, पॉइंट्स नोट करते जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली एक्सरसाइज सारी इस टॉपिक, तो गौर से कंसंट्रेट समझने की कोशिश करें, समझने के लिए रेडी हो जाए ताकि समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं, है क्या। अब एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP या हार्मोनिक सीक्वेंस, पहले जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को रीड करता हूं, देन आपको समझाता हूं। अब डेफिनेशन लेकर सीक्वेंस इससे थी हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ स्ट्रम्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है रेसिप्रोकल ऑफ स्ट्रम्स आर अरिथमेटिक? इसका मतलब ये है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर समझनी है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग समझ के आ रहे हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो जनरल टर्म्स हमने पढ़े हैं उन टर्म्स को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो हार्मोनिक मीकर बन जाएगा, या हार्मोनिक के जो टर्म्स हैं उनको रेसिप्रोकल करेंगे तो अरिथमेटिक हो जाएगा। ईच एंड एवरी टर्म, आई पास टर्म्स को रेसिप्रोकल करना है और कुछ भी नहीं, आई पास में ठीक है। कैसे, अब देखिए मैं लिखता हूं यहां पर, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म लिखते हैं ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन के आपस में रेसिप्रोकल है, वाइस वर्सा इज। जी ए का मान ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट डॉट ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये आपको जहन में जरूर होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब हमने सीखी थी, जब हमने समझी थी, तब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म ये समझा था। सही है, अब करना क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को हम रेसिप्रोकल करेंगे, कह रहा तो क्या हो जाएगा, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। कैसे रेसिप्रोकल करेंगे, अब आइए वो समझते हैं। एवरी सम ऑफ एपी रेसिप्रोकल ऑफ सम्स, वी गेट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है, एवरी टर्म ऑफ एच क्यू रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स गेट हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है, अब कैसे, अब देखिए फर्स्ट टर्म ए है तो ये रेसिप्रोकल मींस वन अपॉन ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी है तो ये हो जाएगा वन अपॉन ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी है तो हमारे पास अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो जाएगा वन अपॉन ए प्लस टू डी, इस तरीके से डॉट 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 एंड सो ऑन, वन डिवाइडेड बाय ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया टर्म। सही, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स थे उनको रेसिप्रोकल किया तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन मिल गए, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर कोई भी टर्म मिला हुआ है तो उसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको एपी मिल जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करेंगे या हम जब समझेंगे तो उन प्रॉब्लम को हम हर टर्म को रेसिप्रोकल करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है, एंड देन फाइनली आंसर को वापस रेसिप्रोकल करेंगे ताकि हार्मोनिक में कन्वर्ट हो जाए। सिंपली
कोई भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। टर्म्स को रेसिप्रोकल करें, अर्थमेटिक में कन्वर्ट करें, सॉल्व करें, आंसर मिले, वापस रेसिप्रोकल करें, हार मिले। ओके बेटा, आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक। तो ये हुई बेसिक डेफिनेशन। फिर भी हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन का अपना एक जनरल टर्म है, क्या जनरल टर्म जरूर इसका है, एम टर्म इसको बोलेंगे, जरूर है, मगर वो क्या है, एक टिपिकल और लेंथी टर्म है, उसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं, उसको ड्राइव करते हैं। सही है? सो देखिए हम उसको समझते हैं। यहां पर इस साइड पे जनरल टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म ड्राइव करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। अब देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन को समझने जा रहे हैं, जनरल टर्म को ड्राइव करने जा रहे हैं। इफ ए कॉमा बी आर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स ऑफ ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सिर्फ दो ही टर्म्स ले रहे हैं, ठीक, कॉफी है दो टर्म, फर्स्ट ए एंड बी दो टर्म ले, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ एच पी, ठीक। अब एच पी के दो टर्म लिए तो हम इसका जनरल टर्म ड्राइव करने जा रहे हैं। कैसे जनरल टर्म ड्राइव करें? तो अभी अभी हमने समझाया हार्मोनिक प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स मौजूद हैं सॉल्व करना है, तो उसको हम करेंगे रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एपी में, ठीक है। तो आइए, सो वन अपॉन ए कॉमा वन अपॉन बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आई पास मत लो, ए बी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एच पी में है, तो ए एंड बी दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, वन अपॉन ए वन अपॉन बी कन्वर्ट हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आई पास मत लो, ठीक है। चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कन्वर्ट हो गए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम करने जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले का इक्वल्स टू डी, कॉमन डिफरेंस मींस सेकंड टर्म माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो सेकंड टर्म 1 अपॉन बी माइनस करेंगे 1 अपॉन ए। अब फ्रैक्शन में टर्म है माइनस वन, तो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स की, दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, वही एबीसी के लेटर्स है, जस्ट मल्टीप्लाई कंबाइन, ओके। फर्स्ट टर्म ए के डिनोमिनेटर में बी है, तो एलसीएम जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे बी से, सिंपल ए बचा, ए मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का फ्रैक्शन इक्वल माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ए है, तो ए को डिवाइड करेंगे एलसीएम से, सिंपल बी इज मल्टीप्लाई। आई पास में बेसिक एलसीएम ले रहा हूं, हर बार हमें समझते आ रहे, तो एलसीएम हुई, अब एलसीएम हुई तो इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, वन मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए, वन मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे बी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, सो ये ए माइनस बी अपॉन में ए, ये क्या मिला, ये कॉमन डिफरेंस मिला। आई बात समझ, सही, चलो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, अब जनरल टर्म फाइंड करने जा रहे हैं, मींस nth टर्म, तो nth टर्म फाइंड करने जा रहे हैं, तो as we know nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय d, ये है, ठीक। तो a मींस फर्स्ट टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म जो वन अपॉन a प्लस n sin माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमने कैलकुलेट किया है ए माइनस बी अपॉन में ए इंटू बी, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई, ओके। अब क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वाई समझते हैं सॉल्व कैसे करते हैं टर्म को। सो अब देखें ये टर्म है, फ्रैक्शनल टर्म है, दो टर्म आपस में प्लस हो रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर ए है, उसके डिनोमिनेटर ए इंटू बी है, एलसीएम ली जाएगी, एलसीएम होगी ए इंटू बी, तो फर्स्ट टर्म जो है उसके अपान में कुछ भी नहीं है, तो मींस वन ए है, डिनोमिनेटर में एलसीएम से ए को डिवाइड करेंगे, सिंपल बी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक, सेम वो एलसीएम का। आगे नेक्स्ट टर्म जो है प्लस एन माइनस वन ब्रेकेट में ए माइनस बी, डिनोमिनेटर में उसमें मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, इसके डिनोमिनेटर में जो नंबर है सेम एज इट, वही एलसीएम में, तो न्यूमरेटर रिमेंस है,
ठीक है, दोनों ब्रैकेट में आ चुके हैं। सो अब देखें nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से जो मिल रहा है, 1 into b means b m minus 1 a minus b divided by a multiplied by b, ये टर्म मिला ap के टर्म्स के हिसाब से 10th टर्म। अब इनको मजीद कुछ भी नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे फाइनली, हेंस मैं कह रहा हूं द कॉरेस्पॉन्डिंग nth टर्म ऑफ एच पी ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो टर्म मिलेगा nth टर्म इज इक्वल टू ये जो है एपी के हिसाब से, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चाहिए तो हम क्या करेंगे उसको रेसिप्रोकल करेंगे, हर टर्म को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो रेसिप्रोकल मींस ए बी डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाय बी प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट मल्टीप्लाइंग बाय ए माइनस बी। तो ये है फॉर्मूला nth टर्म या जनरल टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जनरल टर्म एग्जाम में जरूर होना चाहिए, फॉर्मूला है क्या वही है, ठीक है, ये ड्राइव है आपके सामने। मगर वैसे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में हम ये यूज नहीं करते, ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक टिपिकल टर्म है, लंबी सारी फ्रैक्शनल टर्म है, तो इसकी सिंपल यही वे है कि हम रेसिप्रोकल करें, एपी में कन्वर्ट करें, एंड एपी वाले फॉर्मूलास प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं वो हमारे लिए आसान रहेंगे, सिंपल रहेंगे। ओके बेटा क्लियर है, ये चीज समझ में आई कि फॉर्मूला जनरल टर्म जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है वो क्या है, जो आपके सामने मौजूद है, जो ड्राइव है, ठीक, ये यूज नहीं होता, रेयर केस में यूज होता है, तो मगर जहन में जरूर होना चाहिए यह आया कहां से, अपना फॉर्मूला भी है वो ही है, सही है। तो उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आएगा, छोटा सा एक्टिविटी के लिए टॉपिक है, जस्ट वो आपको जहन रखना है क्या, जब आगे एक्सरसाइज अब पढ़ेंगे सीखेंगे तो इजीली आपको एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है, आई बात समझ में क्लियर है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है अगेन एंड अगेन समझी फिर भी समझ में नहीं आ रही, तो वीडियो के फॉर्म लेक्चर आप नीचे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बेटा, तो फाइनली आप लोग का फर्ज बनता है इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिले, आप वो प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझें सीखें एंड कंप्लीट कर सकें ऑन द टाइम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।